हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे सारे। चैप्टर टू जो हमारा वो ऑलमोस्ट ओवर हो गया है। आज हम अपना लास्ट टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज हम कुछ डिक्शनरी के फंक्शंस देखेंगे। क्या देखेंगे हम अपनी, दैट इज डिक्शनरी फंक्शंस एंड इट्स मेथड्स। तो अब इतना हम पढ़ेंगे तो ये भी हम बहुत आराम से पढ़ेंगे, बहुत ही सिंपल चीज़ है। देखो, अभी तक अगर आपने सारी इस वीडियोस अच्छे से देखी होगी तो आपको समझ में आया होगा कि कुछ भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। फर्स्ट वन इज दैट इज लेंथ मेथड। पहला मेथड कौन सा है? लेंथ मेथड। लेंथ मेथड का काम क्या होगा कि आपको अगर डिक्शनरी के लेंथ निकालनी है तो आप उससे लेंथ मेथड से लेंथ निकाल सकते हैं। सिंटेक्स क्या रहेगा इसका? सिंटेक्स रहेगा कि आपको लेंथ लिखना है एंड देन इसके बाद आपकी डिक्शनरी का जो नाम है, जो भी आपकी डिक्शनरी का नाम है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। किसके अंदर? ब्रैकेट्स के अंदर। ये बात हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इज मेथड नंबर टू। अगला मेथड है हमारा क्लियर मेथड। क्या नाम है? क्लियर मेथड। ओके, सो देखते हैं क्लियर मेथड हमारा किस प्रकार काम करेगा। क्लियर मेथड के लिए कुछ बातें लिख लो। पहली बात ये कि इट रिमूव्स ऑल आइटम्स। देखो, ये आपकी डिक्शनरी से सारे आइटम्स गायब कर देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी डिक्शनरी ही गायब कर दे, इसलिए मैंने एक बार ध्यान से बोली, ध्यान से समझना। आपकी डिक्शनरी से सारे आइटम गायब हो जाते हैं, इसका ये मतलब नहीं होता है कि डिक्शनरी गायब है, ठीक है, यानी डिक्शनरी डिलीट कर दी जाती है, बल्कि जो आपकी डिक्शनरी है, आपकी डिक्शनरी एम्प्टी हो जाती है। कैसी हो जाती है? डिक्शनरी बिकम्स एम्प्टी। अब अगर हमें क्लियर फंक्शन का इस्तेमाल करना है तो हम कैसे करेंगे, उसका सिंटैक्स समझो। तो हमारा सिंटैक्स है, दैट इज हम पहले डिक्शनरी का नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डिक्शनरी का नाम डॉट क्लियर, डिक्शनरी डॉट क्लियर। ओके, अब बढ़ते हैं अगले आगे की तरफ। नेक्स्ट इज गेट मेथड। क्या है? दैट इज गेट मेथड। अब गेट मेथड में क्या है देखो, गेट मेथड का सिंटेक्स देखते हैं। सिंटेक्स इस तरह है कि अगर आपको डिक्शनरी डॉट, डिक्शनरी का नाम लिखो पहले, इसके बाद हम लगाएंगे गेट डॉट गेट। गेट के बाद अगर आपको किसी पर्टिकुलर की, ठीक है, अगर आपको किसी पर्टिकुलर की वैल्यू चाहिए तो आपको हम वहां पर की लिख देंगे और हमारे यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज नंबर फोर, दैट इज आइटम्स मेथड। सो अब आइटम मेथड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, आइटम मेथड क्या करता है, ये आपको सारी की सारी, इट शोज ऑल द कीज, जितनी भी आपकी कीज होंगी ना आपकी डिक्शनरी में, ये आपकी डिक्शनरी में जितनी की है वो सारी दिखा देगा, की एंड वैल्यूज, ठीक है। यूज कैसे करेंगे ये भी ध्यान से समझ लो। सबसे पहले डिक्शनरी का नाम डॉट आइटम्स, ये इतना स्पेस नहीं देना है, ठीक है, डॉट आइटम्स, और ये हमारा फंक्शन। तो इस तरीके से हम अपना आइटम्स मेथड को इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट वन इज नंबर फाइव। नंबर फाइव इज कीज मेथड। अब की मेथड क्या करेगा? इट विल रिटर्न ऑल द कीज। ये क्या रिटर्न करेगा आपको? इट विल रिटर्न ऑल द कीज इन डिक्शनरी, ठीक है। और एक बात आपको ध्यान रखना है, एज अ किस फॉर्म में देगा? एक सीक्वेंस बना के दे देगा, ठीक है, एज सीक्वेंस ऑफ कीज। वो देखो कैसे, अगर हम इसका सिंटैक्स देखें तो इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह रहेगा। सिंपली आपको डिक्शनरी का नाम लिखना है, डिक्शनरी डॉट कीज, डिक्शनरी डॉट कीज। इससे क्या होगा, आपकी सारी की सारी कीज जो है ये आपको शो कर देगा। ओके, नेक्स्ट वन इज नंबर सिक्स, दैट इज वैल्यूज मेथड। क्या है? वैल्यू मेथड। अब देखो वैल्यू मेथड क्या करेगा,
वैल्यू मेथड जो है ये आपकी सारी की वैल्यू, सो इट शोज ऑल द वैल्यूज, ऑल द वैल्यू ऑफ डिक्शनरी। अगर हम इसके सिंटेक्स की बात करें, दैट इज डिक्शनरी डॉट वैल्यूज, डिक्शनरी डॉट वैल्यूज। नेक्स्ट नाउ इज नंबर 7, दैट इज अपडेट मेथड। कौन सा मेथड है? अपडेट मेथड। तो हमें ये इसका नाम बताता है कि कुछ ना कुछ हम अपडेट अपडेशन कर रहे होंगे। तो इसका काम क्या है? इट मर्ज, ये काम हमें आएगा हमारे, इट मर्जेस टू डिक्शनरीज, यानी अगर हमें दो डिक्शनरी को ज्वाइन कराना है, उनको मर्ज करना है, तो हम उसे क्या करेंगे, इस प्रकार से करेंगे। सिंटैक्स अगर हम इसका देखें, दैट इज, तो इसका सिंटैक्स है आपका डिक्शनरी डॉट अपडेट एंड, देखो आपको यहाँ लिखना है पहली डिक्शनरी का नाम, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखना है आपको? डिक्शनरी वन का नाम। यहाँ पर आपको लिखना है डिक्शनरी टू का नाम, ठीक है, जिसको आप इसमें ऐड कराना चाहते हो। मैं भी आपको एग्जांपल से बता देता हूँ। यहाँ पे आपको लिखना है डिक्शनरी नंबर टू का नाम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं एग्जाम्पल ले लूँ, यहाँ पर ध्यान से समझो, अगर एग्जाम्पल ले लिया जाए, एक डिक्शनरी वन है और डिक्शनरी हमारे पास टू है। अगर मुझे टू को वन में ऐड करवाना है, यानी कि डिक्शनरी वन और डिक्शनरी टू बन जाएगा, या अगर कंफ्यूज हो गए तो ऐसे कर लो, एक डिक्शनरी तुम्हारी ए है और एक डिक्शनरी बी है, ठीक है। अगर बी को तुम्हें ए में जोड़ना है तो क्या क्या लिखोगे आप? दैट इज ए डॉट अपडेट एंड बी। ओके, क्या बात समझ में आ गई? ओके, सो मेक श्योर, देखो यहाँ से आपका जो चैप्टर है वो खत्म होता है। अब कई सारे बच्चे हैंड राइटिंग नोट्स मांग रहे हैं, तो जिनको भी मेरे पर्सनली हैंड राइटिंग नोट्स चाहिए हैं, वो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ से आप लोग जो है नोट्स ले सकते हैं। नोट्स आपके 3 पार्ट में अवेलेबल है बेटा। पहला पार्ट है, अगर आपको सिर्फ पाइथन के नोट्स चाहिए हैं तो आप वो ले सकते हैं, अगर आपको कंप्यूटर नेटवर्क प्लस SQL के नोट्स चाहिए हैं तो आप वो ले सकते हैं, और तीसरा कि अगर आपको दोनों के कंबाइन यानी फुल सिलेबस के नोट्स एक साथ चाहिए हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। नेक्स्ट इज कि देखो भाई, अब नेक्स्ट हमारा चल रहा है लाइव बैच, तो आप लोग लाइव बैच में इनरोल कर सकते हैं, वहाँ पर हम क्वेश्चंस की जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा बेनिफिट, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा और आपका डाउट सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है, जो कि यहाँ पर पॉसिबल नहीं होता है। बट जो भी बच्चे कमेंट करते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के जो भी डाउट कमेंट किए जा रहे हैं उसको मैं सॉल्व कर सकूँ। ओके, और जिसको लाइव बैच में इनरोल होना है, वो भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहाँ से मेक श्योर कि आप लाइव बैचेस में इनरोल करा लें। और अगर मैं इस बार की अपने रिजल्ट की बात करूँ, तो मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी अच्छे नंबर लाए हैं। हाईएस्ट 97 गया है, 96, 94, 92, एक बच्चे का 91 था। फिर देन कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो कि फेल हो रहे थे, वो 85 स्कोर ले आए हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो 75 ले आए हैं, ठीक है। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि जो बच्चे फेल हो रहे थे वो भी इतना अच्छा स्कोर कर पाए हैं। सो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें।